नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डे थ्री में। मुझे यकीन है आपने डे वन और डे टू बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा, क्योंकि अब हम थोड़ा थोड़ा एडवांस करने वाले हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं। आज हम जो बेसिक सूर्य नमस्कार हमने सीखा है उसके 3 राउंड करेंगे, ठीक है, और फिर एक नया सूर्य नमस्कार सीखेंगे। शुरू करते हैं स्थित प्रार्थनासन। यहां से इनहेल करते करते हाथ ऊपर लेके अस्त उत्तरासन, एक्सहेल करते करते उत्तरासन। यहां से राइट लेग को पीछे लेना है, अश्व संचालन आसन। लेफ्ट लेग को पीछे लेना है, दंडासन प्लैंक। यहां से स्टैंड नमस्कार, नीज डाउन, चेस्ट डाउन, चिन डाउन। इनहेल करते करते भुजंगासन में आना है, शोल्डर्स को रिलैक्स रखें। एक्सहेल करते करते डाउनवर्ड डॉग में। यहां से राइट लेग को दोनों पैरों के बीच में लाना है, अश्व संचालन आसन में। लेफ्ट लेग को आगे लाना है, इनहेल करते करते ऊपर आना है, आधा राउंड हो गया। एक्सहेल डाउन, इस बार लेफ्ट लेग को पीछे लेना है, राइट लेग को पीछे। सांस छोड़ते छोड़ते अष्टांग नमस्कार, नीज डाउन, चेस्ट डाउन, चिन डाउन। सांस अंदर लेते हुए इनहेल, भुजंगासन। सांस छोड़ते हुए एक्सहेल, डाउनवर्ड डॉग। यहां से लेफ्ट लेग को दोनों पैरों के बीच में लेंगे, अश्व संचालन आसन। राइट लेग को आगे लेंगे, इनहेल करते करते ऊपर आएंगे। एक राउंड पूरा हो गया और 2 राउंड करने हैं। एक्सहेलिंग डाउन, राइट लेग को पीछे लेना है, लेफ्ट लेग को पीछे लेना है। सांस छोड़ते हुए अष्टांग नमस्कार, सांस अंदर लेते हुए भुजंगासन। सांस छोड़ते हुए डाउनवर्ड डॉग। यहां से राइट लेग को दोनों पैरों के बीच में रखना है, लेफ्ट लेग को आगे लेना है। सांस अंदर लेते हुए अस्त उत्तरासन, 1.5 राउंड। सांस छोड़ते उत्तरासन, लेफ्ट लेग पीछे लेना है, राइट लेग पीछे लेना है। सांस छोड़ते हुए अष्टांग नमस्कार, इनहेलिंग भुजंगासन, एक्सहेलिंग डाउनवर्ड डॉग। यहां से लेफ्ट लेग को दोनों पैरों के बीच में लेना है, राइट लेग आगे लेना है। सांस अंदर लेते रहते हैं, 2 राउंड कंप्लीट। आखिरी राउंड एक्सहेल करते करते नीचे आना है, राइट लेग पीछे लेना है। इसमें थोड़ा वेरिएशन करेंगे दोस्तों, तो चेस्ट को ऊपर ले लेंगे, ठीक है, अश्व संचालन में थोड़ा डीप जाएंगे। 5 4 3 2 1 नीचे आ जाएंगे, लेफ्ट लेग पीछे लेंगे, अष्टांग नमस्कार, knees chest chin on the floor। सांस अंदर लेते हुए भुजंगासन, सांस छोड़ते छोड़ते डाउनवर्ड डॉग। यहां से राइट लेग को दोनों पैरों के बीच में लेंगे, लेफ्ट लेग को लेंगे, सांस अंदर लेते लेते ऊपर आ जाएंगे, सांस छोड़ते छोड़ते नीचे आ जाएंगे। आखिरी राउंड लेफ्ट लेग पीछे लेंगे, ऊपर आ जाएंगे, अश्व संचालन आसन थोड़ा डीप करेंगे। 5 4 3 2 1 एक्सहेल करते करते नीचे आएंगे, राइट लेग पीछे लेंगे, अष्टांग नमस्कार, नीज चेस्ट चिन। इनहेल करते करते भुजंगासन, सांस छोड़ते हुए डाउनवर्ड डॉग। यहां से लेफ्ट लेग को आगे लेंगे दोनों पैरों के बीच में, राइट लेग को आगे लेंगे, इनहेल करते करते ऊपर आएंगे, एक्सहेल करते करते स्थिर प्राणायाम। तो ये हमने किए दोस्तों 3 राउंड सूर्य नमस्कार के। अगर स्पीड थोड़ी ज्यादा है अगर आपके लिए, तो आप वीडियो को पॉज करके अपनी स्पीड पे कर सकते हैं। दोस्तों आज हम सीखेंगे सूर्य नमस्कार डी, ठीक है, ये मैसूर स्टाइल का सूर्य नमस्कार है।
इसका ए का भी वेरिएंट है, पर आज हम सीधा बी करेंगे क्योंकि वो बेसिक से काफी सिमिलर है। तो सबसे पहले मेरे साथ मूवमेंट्स फॉलो कीजिएगा, टेक्निक अलाइनमेंट्स पे फोकस कीजिएगा। इसका एक सेपरेट वीडियो भी बनने वाला है जो बहुत डिटेल में होगा, तो उसकी मैं लिंक बाद में लगा दूंगा। सबसे पहले हमें ये पोस्चर शुरू होगा उत्कटासन में, तो पूरी तरह से इसे झुक जाना है, नीचे टच करना है और फिर ऊपर आ जाना है, ठीक है। ये है उत्कटासन। इसमें हमारे घुटने तो उसके पीछे होने चाहिए और हिप्स थोड़े से नीचे होने चाहिए, जैसे चेयर पोज बिना कोई चेयर के। और होल्ड करना है 5 4 3 2 1 एक्सहेलिंग उत्तरासन फॉरवर्ड पे, ठीक है। यहां तक तो हमें पता है, यहां से कमर को थोड़ा सा अंदर डालें और सामने की ओर देखना है और वजन को टोस पे रखना है। इसे कहते हैं 3 हेड अप। वहां से दोनों हाथों को नीचे रख के राइट लेग पीछे लेफ्ट लेग पीछे प्लैंक में आके चतुरंगा करना है। तो चतुरंगा में क्या करना है, सीधा चेस्ट को फ्लोर पे रखना है सबसे पहले, जैसे एक पुशअप की तरह। अगर ये ना हो पाए तो अष्टांग नमस्कार नीज चेस्ट चिन ऑन द फ्लोर भी कर सकते हैं। तो यहां से चतुरंगा, फिर यहां से आएंगे भुजंगासन में। इस बार भुजंगासन में हम सिर्फ पैरों पे और टोस पे हैं, घुटने थाइस कुछ भी नीचे टच नहीं हो रहा। अगर ये आपके लिए डिफिकल्ट है तो आप घुटने नीचे रख सकते हैं। एक्सहेलिंग डाउनवर्ड डॉग, सांस छोड़ते हुए यहां से हम राइट लेग को दोनों पैरों के बीच में लेंगे कुछ इस तरह, ओके, और ऊपर आ जाएंगे। अभी हमें ये पोस्चर करना है वीरभद्रासन ए। तो इसके अंदर आगे वाला लेग 90 डिग्री बेंड होगा, ठीक है। दोनों हील्स दोनों पैर के सेम लाइन में होंगे, इससे बैलेंस आती है। लेफ्ट लेग जो पीछे वाला लेग है वो उस तरफ 45 डिग्री में पॉइंट करेगा, ठीक है। यहां से अपने पाम्स को देखना है और होल्ड करना है 5 4 3 2 1 एक्सहेलिंग स्पाइन को स्ट्रेच करते हुए नीचे जाना है, राइट लेग को पीछे करना है, ठीक है। चतुरंग या अष्टांग नमस्कार भुजंगासन, एक्सहेलिंग डाउनवर्ड एक एक स्टेप आगे ले। यहां से लेफ्ट लेग को दोनों हाथों के बीच में रख दें और ऊपर आ जाएं, ठीक है। लेफ्ट लेग की नी को बेंड करें, राइट नी राइट लेग का नी एकदम स्ट्रेट होगा जो लेग पीछे है। दोनों हाथों को ऊपर जॉइन करें, हाथों को देखें 4 5 4 3 2 1 exhaling extending stretching down left leg पीछे। यहां से चतुरंग या अष्टांग नमस्कार भुजंगासन डाउनवर्ड डॉग, यहां पे 5 राउंड ऑफ ब्रीदिंग करेंगे। इनहेल एक्सहेल 5, इनहेल एक्सहेल 4, इनहेल एक्सहेल 3 2, इनहेल एक्सहेल 1। यहां से राइट लेग को आगे लेंगे, लेफ्ट लेग को आगे लेंगे और तीनी हेड अप में जाएंगे जो हमने पहले किया था। तो बैक को थोड़ा कर्व करना है, टिप ऑफ द नोज को देखना है, फेस आगे रखना है और हाथ नीचे लेंगे, घुटने सीधे और वेट ऑन द टोस। यहां से एक्सहेलिंग डाउन उत्तरासन फॉरवर्ड पे, ठीक है। अब जाएंगे उत्कटासन, जिस पोस्चर से हमने ये सूर्य नमस्कार शुरू किया था। इसमें नीचे चेक कर रहे हैं कि हम हमारे टोस को देख सकते हैं, तो फिर पोस्चर सही है। अगर नी टो को ब्लॉक कर रहा है तो नी को पीछे लेना है, वरना प्रेशर नी पे आता है। 5 4 3 2 1 रिलैक्स समस्त, काफी इंटेंस था। तो ये हम प्रैक्टिस इसकी और बढ़ाएंगे हमारे आगे आने वाले डेज में। अभी हम जाते हैं आगे के स्टैंडिंग पोस्चर में। तो पहले करेंगे त्रिकोणासन, ठीक
ठीक है, और इसमें ही हम कंटिन्यूएशन में दो पोस्चर करेंगे। तो पहले हम पूरा राइट साइड करेंगे, तो राइट लेग बाहर की तरफ, लेफ्ट लेग अंदर की तरफ, दोनों हाथों को खोल रहा है और एक्सटेंडिंग स्ट्रेचिंग, नीचे जा रहा है, ठीक है, दोनों हाथ राइट हैंड नीचे रहेगा, लेफ्ट हैंड ऊपर रहेगा, घुटना सीधा, और होल्ड करेंगे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी त्रिकोणासन में ही रह के हम ये हाथ नीचे ले लेंगे तो हम आ जाएंगे पार्श्वोत्तानासन में, ठीक है, और नीचे आना है और होल्ड करना है 10, 9, 8, 7, हर एक काउंट एक राउंड ऑफ ब्रीदिंग है, 6, इनहेल एक्सहेल 5, 4, 3, 2, 1। यहां से जो हमने पिछली बार किया था परिवृत्त त्रिकोणासन, ट्विस्टेड त्रिकोणासन, तो अभी इनको स्ट्रेट रख के राइट हैंड ऊपर ले लूंगा और होल्ड करेंगे 10, 9, 8, 7, कीप ब्रीदिंग करें 6, 5, 4, 3, 2, 1 और बस हो जाए रिलैक्स। तो ये था दोस्तों राइट साइड, सेम चीज अब हम पूरी कॉम्बिनेशन लेफ्ट साइड में करेंगे, ये हमारे पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, बैलेंसिंग के लिए, स्ट्रेंथनिंग के लिए ये तीनों कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छे है। यहां से एक्सटेंड स्ट्रेच करके एक्सेल करके नीचे जाना है, त्रिकोणासन होल्ड 10, 9, ऊपर देखें, यहां सामने देखें 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यहां से राइट हैंड डाउन आ जाएंगे पार्श्वोत्तानासन में 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यहां से लेफ्ट हैंड ऊपर आ जाएगा तो परिवृत्त त्रिकोणासन 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इनहेल करते करते ऊपर आ जाए, एक्सहेल करते करते रिलैक्स। अभी आते हैं अगले पोस्चर जिसे कहते हैं परिवृत्त उत्कटासन, जो हमने उत्कटासन किया था सूर्य नमस्कार में, ठीक है, उसमें ट्विस्टिंग के साथ। तो क्या करना है इसमें, हमें घुटनों को बेंड करना है, ठीक है, वापस घुटने टोके आगे नहीं जाएंगे, हिप्स नीचे आएंगे। यहां से ये मेरी लेफ्ट लेग है, ये साइड वाली, ये मेरा राइट हैंड है, तो राइट हैंड की जो एल्बो है उसे लेफ्ट हैंड के साइड नी के साइड में दबाना है और ये नमस्ते करना है और बस इधर हमें आके होल्ड करना है 10 काउंट के, चेस्ट को ओपन करना है 10, 9, 8। गहरी सांसे लेते रहना है, अभी जो पैर में फील हो रहा है वो थोड़ा रिलैक्स होगा 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से ऊपर आ जाना है, पैरों में जरूर फील हो गया होगा दोस्तों। ये इसका सिर्फ बेसिक वर्जन है, आगे की क्लास में हम इसकी एडवांस वर्जन करेंगे। सेम चीज अभी दूसरी बाजू से, राइट लेग लेफ्ट नी उत्कटासन
नमस्कार, ये जो लाइन है हमारे नमस्ते की, ये लाइन पूरी सीधी होनी चाहिए, ठीक है। और पामों को हल्का, पाम्स को हल्का प्रेस करना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, relax. इसे वीडियो को पॉज करके इसके दो राउंड और जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये थे आज के स्टैंडिंग आसनास। तो अभी आते हैं हम सिटिंग आसनास पर। सिटिंग पोस्चर में पहला पोस्चर जो हम करेंगे वो है पद्मासन, ठीक है। तो हमने इसका डे वन डे टू में भी किया है और स्लोली हम पद्मासन में प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो पद्मासन में जैसे है, राइट हील लेफ्ट हिप बोन की तरफ और लेफ्ट हील राइट हिप बोन की तरफ, कुछ इस तरह, ठीक है। अगर अभी तक पद्मासन नहीं पहुंचा है तो जो टेक्निक्स बताई थी उस पर वर्क करें, वो जल्दी हो जाए। एक बार ऐसे करना है, फिर खोल देना है, फिर सेम चीज हमें दूसरी तरफ करनी है। क्या है, थोड़ा सा बॉडी खुल जाए, खासकर अगर सुबह के टाइम में करते हैं तो बॉडी में मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, थोड़ी जकड़न होती है, तो बॉडी खुलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। क्या, थोड़ी देर होल्ड करें और फिर इसको खोल दें। अब आते हैं प्रीवियस पोजिशन पे। तो लेग को यहाँ रखें, दूसरे लेग को पर लें। सबसे पहले हम पद्मासन में लिफ्ट करें तो ब्लॉक्स को साइड में रखें, ठीक है, ओके। पहला राउंड दोस्तों बिना ब्लॉक्स करते, तो हाथों को यहाँ रखें फ्लोर पे और खुद को उठाने की कोशिश करें। और 5 राउंड इसके हमें होल्ड करने हैं। 5 काउंट्स, 4, 3, 2, 1। धीरे से नीचे आ जाए, रिलैक्स करें, इस साइड को खोल दें। और सेम चीज हम अभी दूसरी बार छोड़ देंगे। जितना खोल बंद करें दोस्तों, तो ऐसे कहते हैं जैसे कि तरह से हम ऑयलिंग कर रहे हैं, जो इतने सालों से जंग लग गया है, ओके। जितनी बार दिन में भी जितने 8-10 बार आप खोलेंगे, बंद करेंगे, तो उतना वो फ्लेक्सिबल होता जाएगा, फिर कुछ दिनों बाद एकदम आसानी से होगा। दूसरा हम ब्लॉक्स यूज करके करेंगे, सेम हमें 5 काउंट होल्ड करना है और पुश करें। 5, 4, 3, गहरी सांस से लें, 2, 1, रिलैक्स हो जाए, मांसल खोल, ठीक है। पैरों को थोड़ा सा ऐसे शेक कर ले, रिलैक्स कर ले। अभी जैसे हम आगे क्लासेस में जाएंगे, पद्मासन और करेंगे, तो उसकी इंटेंसिटी हमें बढ़ाते जाना है। तो अभी बिक्स को कुछ इस तरह घुमा लेंगे और वापस पहली वाली पोजीशन में हम चले जाएंगे, इस तरह, इस तरह, ठीक है। और अभी वापस 5 काउंट के लिए ऊपर जाएंगे, 5। बहुत लोग ऐसे स्विंग करते हैं, तो स्विंग नहीं करना है, कंट्रोल में रहना है। 4, 3, 2, 1, धीरे से नीचे आना है, रिलैक्स करना है। अगर आपका ये लेवल 1 ही हो रहा है, लेवल 2 नहीं हो रहा है, तो उसे करने की कोशिश अभी ना करें, पहले लेवल 1 अच्छे से कर लें, फिर ही लेवल 2 पर प्रोग्रेस करें। सेम चीज दूसरी बार, जो ब्लॉक्स को ऐसे साइड में रख के, लेना है, पेट को थोड़ा अंदर खींच के रखना है। 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स करें। ये हमारे हैंड स्ट्रेंथ के लिए, बॉडी की बैलेंसिंग के लिए ये बहुत अच्छा पोस्चर है। अभी इसकी तीसरी लेवल आज करेंगे, ओके। जिस हम ब्लॉक को कुछ इस तरह खड़ा रख देते हैं,
अगर लेवल टू क्लियर हुआ है एकदम अच्छे से आप गोल कर पा रहे 5 काउंट 10 काउंट तो ही लेवल 3 अटेम्प्ट करें, और जब मैं ये कर रहा हूँ तो आप वो लेवल 1-2 लेवल 1 और 2 आप साथ में कर सकते हैं। अगर लेवल 2 क्लियर हो गया तो ये जरूर अटेम्प्ट करें, क्योंकि इसमें एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास ब्लॉक से तो अच्छा है या तो कुछ ऐसा सरफेस ले ले, ये ब्रिक जब हम जाए ब्रिक नहीं हिलनी चाहिए, अगर ये हिल गई और गिर गई तो हमें लग सकता है, तो इसका खास ध्यान रखें दोस्तों। ठीक है, फिर जो है अजमा सिर्फ एक ही राउंड करेंगे, अगले क्लास में थोड़ा ज्यादा करेंगे, और 5 काउंट्स वापस प्रेस करें ऊपर, 5 4 3 2 1 रिलैक्स। अभी बहुत सारे मेरे दोस्तों के बिल्कुल भी लिफ्टिंग नहीं हो रहा होगा, तो इस वक्त क्या करें, तो क्या करना है आपको पद्मासन में जाना है और समझो बॉडी ऊपर आई नहीं रही है हवा में, ठीक है, तो बस इधर से हिप्स को उठा लो और ये पोजीशन में होल्ड करो। देख मैं एक बार साइड एंगल से दिखा देता हूँ, यहाँ से समझो पद्मासन नहीं पद्मासन में बॉडी लिफ्ट नहीं हो रही है, तो कुछ इस तरह आ जाओ और लिफ्ट करो, ये प्रैक्टिस करना है। जिनका पद्मासन लिफ्ट पद्मासन ही नहीं लग रहा है तो फिर वो लिफ्टिंग कैसे करेंगे, तो उनको क्या करना है, फिर भी लिफ्टिंग करना है, पैरों को क्रॉस रखना है। ओके, पैरों को क्रॉस करके ब्लॉक को अपने कंफर्ट के हिसाब से एडजस्ट करके ऐसे उठा ले, अगर ये नहीं हो रहा है तो पैर नीचे रख के हिप उठा ले, एक पैर उठा ले, ऐसे प्रैक्टिस करनी है, धीरे धीरे ये होने लगेगा। ठीक है, अभी यहां से आते हैं हम अगले पोस्चर में, जो भी हमने पिछली बार किया था बटरफ्लाई। ठीक है, बद्रकोणासन या भद्रासन, इसमें अगर ब्लॉक पे बैठेंगे ठीक है तो आपको फॉरवर्ड बेंडिंग इसमें अच्छे से होगी, तो इसमें हमें सिर्फ अभी जाके बटरफ्लाई में जाएंगे और हाथ ऊपर लेंगे और हम फॉरवर्ड बेंडिंग में 2 मिनट होल्ड करेंगे इसे, तो जस्ट और ब्रीथ करना है, हमें डीप ब्रीदिंग करना है, जितनी गहरी सांसें लेंगे जितना बॉडी को रिलैक्स करेंगे उतना देखिए हाथ ऑटोमेटिक आगे जाएगा। अभी हम सोच रहे हैं कि पैरों में कितना स्ट्रेच आ रहा है पेल्विक रीजन में, जैसे कि हमने पहले बात किया है कि ये पेल्विक रीजन की स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग के लिए बहुत ही अच्छा है, पर जब हम हाथों को आगे लेते हैं ठीक है तब हमारी स्पाइन भी एलोंगेट होती है, मतलब स्पाइन की स्ट्रेचिंग भी होती है, जो हमारा मेन पर्पज होता है मोस्ट ऑफ द आसन। स्पाइन अच्छी बॉडी बहुत ही अच्छे से फंक्शन करती है। एक मन में एक लेट गो का फीलिंग लाना है, ठीक है, बॉडी को नीचे जाने से पैरों को साइड से नीचे जाने से रोकना नहीं है, उन्हें जाने देना है तभी बॉडी खुलेगी अच्छे से। जब हम इनहेल करते हैं हमारा स्टमक और चेस्ट बाहर आना चाहिए, फूलना चाहिए, जब हम एक्सहेल करते हैं स्टमक और चेस्ट श्रिंक हो जाना चाहिए, अगर हम लेट गो की फीलिंग लाते हैं और डीप ब्रीदिंग करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे पैर नीचे और जाएंगे, हाथ और आगे आएंगे, माइंड और रिलैक्स होगा। धीरे-धीरे 2 मिनट होते ही एक्सटेंडिंग स्ट्रेचिंग करके हमें बाहर आ जाना पोस्चर, ठीक है, जैसे कि पहले भी कहा है विमेन के लिए तो ये पोस्चर बहुत ही अच्छा है पेल्विक स्ट्रेचिंग स्ट्रेंथनिंग के लिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के लिए। अगले पोस्चर में आते हैं जिसे कहते हैं जानू सिरासन।
तो इसमें क्या करना है, हमें एक पैर को बाहर इस तरह लेना है और दूसरे पैर को यहाँ लेना है अंदर की ओर, ठीक है। यहाँ से दोनों हाथों को ऊपर लेना है, स्पाइन को एक्सटेंड करना है और यहाँ से आके पैर को पकड़ लेना है और हेड को नीचे ले लेना है। अब हम एक एक मिनट दोनों बाजू से होल्ड करेंगे। मेरे बहुत दोस्त होंगे जिनका शायद हाथ नहीं पहुंच रहा होगा, तो उन्हें क्या करना है, अगर हाथ यहाँ पे है तो थोड़ा सा उसे फिर आगे की ओर पुश करना है, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप घुटनों को मोड़ के पैरों को बाहर से ऐसे पकड़ ले और फिर सिर्फ उसे पुश करते रहे, फिर उसके बाद घुटना बेंड भी रहेगा तो चलेगा क्योंकि हमारी स्पाइन खुल रही है, ठीक है। तो फिर कुछ दिन में पैर ऐसे स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक तरीका आप ले सकते हैं और पोस्चर में जाके से होल्ड कर। डीप ब्रीदिंग करना है, अगर नीज फोरहेड को अगर फोरहेड नीज को टच नहीं हो रहा है तो उसे उसकी डायरेक्शन में ले जाना है, अगर हो रहा है फोरहेड टच तो चिन को टच करना है नी को। खुद से बॉडी नीचे जाने लगे, पोस्चर डीप होने लगे। पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए पोस्चर, स्ट्रेचिंग को होने लगे। और एक मिनट होते ही एक्सटेंडिंग स्ट्रेचिंग हमें ऊपर आ जाना है, रिलैक्स करना है, सेम दूसरी बाजू करनी है। कभी भी खिंचाव लेके जाए और खिंचाव से आए, ऐसे जाके हमें ऐसे नहीं आने का खास ध्यान, वरना बॉडी जल्दी नहीं खुलेगी। एक्सटेंडिंग स्ट्रेचिंग वही टेक्निक्स यूज करें जो हमने राइट साइड पे यूज की थी, और डीप ब्रीदिंग करें। थोड़ा सा हाथों से पैरों को ऐसे पकड़े के जैसे कि हम अपने अपर बॉडी को लेग की तरफ खींच रहे हैं, थोड़ा सा खिंचाओ खुद से लाएं। आंखें बंद रखनी है, पूरी तरह से पोस्चर में इन्वॉल्व हो जाना है, पूरा ध्यान शरीर पे देना है, यहाँ आके पैर नहीं लाने। और एक मिनट होते ही ऊपर आ जाए और रिलैक्स। ओके, वीडियो पॉज करके इसके दो राउंड और जरूर करें, ठीक है। इससे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, हमारे हैमस्ट्रिंग ओपन होते हैं, हमारे स्पाइन ओपन होती है। अगला पोस्चर के लिए हमें एक प्रॉप लगेगा, तो ये है एक योगा बेल्ट जो हम यूज करने वाले हैं, क्योंकि ये एक्चुअल पोस्चर करने में काफी लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो इसमें हमें क्या करना है, इस बेल्ट। तो अगर आपके पास बेल्ट नहीं है तो कोई भी स्पोर्ट्स शॉप में मिल जाएगा, या तो फिर घर का कोई दुपट्टा भी ले सकते हैं। ये अयंगर की ओरिजिनल बेल्ट है, अगर आपको ये चाहिए तो नीचे कॉमेंट में पूछेगा, मैं बता दूंगा कहाँ से मिले। अभी यहाँ से जो इसका इक्वल जो सेंटर का पोर्शन है उसे दोनों पैरों के बीच में हमें कुछ इस तरह फंसा लेना है,
कि और हाथों को जितना हो सके उतना पैरों से क्लोज रखना है। बस यहाँ से हम आ गए नमस्ते, और हमें टारगेट है कि घुटनों को सीधा करना बस, और फिर घुटनों को और टोस को हमें देखना है बस, और होल्ड कर डीप इनहेलेशन करें, एक्सहेलेशन। शायद पेट में खिंचाव, कुछ लोग शायद ऐसे भी रहे पोस्चर या हाथों तो दूर रहे, बहुत लोग ऐसे करते हैं, तो ऐसे तो नहीं करना है, उसका ध्यान रखना। एल्बो हमारा सीधा ही होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना पोस्चर की फील ही नहीं आएगी। बस ऐसे रखना, धीरे धीरे हम क्या करेंगे हाथों को और नजदीक लेके जाते हैं इसके लिए, कुछ इस तरह। पेट की चर्बी घटाने के लिए ये बहुत ही अच्छा आसन है, और इसका एडवांस वेरिएंट कुछ इस तरह है, जब आप कंफर्टेबल हो जाए इसके अंदर नजदीक आकर, ठीक है, तब हम बेल को खोल देंगे कुछ इस तरह, छोड़ देंगे बस यहाँ पे जाके हमें होल्ड करना। अगर ये होल्डिंग नहीं होती और आप ऐसे नीचे आ जाते हैं समझो, तो वापस बेल पकड़ के ऊपर आ जाए, जब तक आप खुद से ये पोस्चर ना, इस पोस्चर में बैलेंसिंग होती है पूरी टेल बोन पे, ठीक है, और हमारी कोर स्ट्रेंथ अंदरूनी शक्ति उस पर बहुत काम होता है, तो जितना भी फैट है वो पूरा बर्न हो जाता है। अगर आप कर रहे हैं अभी तो आपको फील हो गया होगा ये पोस्चर, ठीक है। और ये जो बेल्ट है, ये बेल्ट जैसे हमारा अहंगर में कहते हैं हमारा तीसरा हाथ है, जो पोस्चर हमसे नहीं होता वो हमसे हमें मदद करता है, हमें हमेशा डिपेंडेंसी नहीं रखनी है इसके ऊपर, जब हमसे पोस्चर हो जाए तो धीरे से हमें इसे छोड़ देना और होल्ड करना। और ये भी दोस्तों बहुत ही बेसिक वर्जन है नवासन का, ये इसको मास्टर कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके इसके 5-6 राउंड अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इसके हम आगे क्लास में बहुत सारे एडवांस वेरिएंट्स करने वाले हैं। और टारगेट रखिएगा कि हम इसे 30 सेकेंड से 1 मिनट तक हम इसे आराम से होल्ड कर सकें, हमारी कोर स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो जाती है, हमारी बैलेंसिंग बहुत अच्छी हो जाती है, पोस्चर से डिजर्व भी सकते हैं। अभी ये थे आज के सिटिंग आसन, तो अभी आते हैं स्लीपिंग आसन। और बहुत रिक्वेस्ट आई थी कि सर वेट लॉस के लिए बताओ, फैट लॉस के लिए बताओ, तो उसके लिए एक आसन दिखाएंगे बहुत ही बड़ी। सबसे पहले यहाँ से आके हम ऐसे एक साइड जाके सो जाए, यहाँ से दोनों हाथों को हिप्स के नीचे रखना है, ये इसलिए रखे हैं कि बाद में पोस्चर में कभी कभी स्पाइन पे प्रेशर आता है, तो वो नहीं आना चाहिए। और यहाँ से अभी हमें क्या करना है, दोनों पैरों को ऐसा सीधा करके 90 डिग्री में ले लेना है, और अभी होल्ड करना है 10 काउंट्स के लिए, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यहां से पैरों को जॉइन करके पॉइंटेड करके 70 डिग्री में ले ले कुछ इस तरह, और काम करें 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यहां से इसे 45 डिग्री में ले, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यहां से इसे 30 डिग्री में ले, अगर थक गए हैं तो एक सेकंड रिलैक्स होकर वापस आ जाए, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यहां से इसे 10 डिग्री में, मतलब 2 इंच फ्लोर से दूर आखिरी, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, और रिलैक्स करें।
और ब्रीथ करें। इतना करके ही पेट में पूरा फील आ गया होगा। हाथों को कमर के नीचे जरूर रखें, वरना हमें स्पाइन बैक में कभी अलाइनमेंट गलत हो तो दिक्कत आ जाती है। तो ये रखने से हमारी बैक प्रोटेक्टिव रहती है और हमें सपोर्ट भी रहता है। अभी यहाँ से वीडियो को पॉज करके दोस्तों और दो राउंड मिनिमम करने हैं। जितना ज्यादा ये आसन करेंगे, ये पोस्चर करेंगे, उतना हमारे पेट के लिए अच्छा है। ठीक है, अभी डे वन डे टू के कुछ पोस्चर्स का हम एक बार रिविजन कर लेते हैं। तो राइट अपना लेफ्ट हील को राइट नी पे रखना है, अंदर से पकड़ना है और इसे होल्ड करना है। और ये पोस्चर्स दोस्तों एक एक दो दो मिनट रोज करें तो ये इजी पोस्चर है और इससे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जल्दी से आ जाती है, बॉडी खुल जाता है। डीप ब्रीदिंग करें, रिलैक्स करें और एक खिंचाव हमेशा मेंटेन करना है। हाथों से पैरों को अपनी तरफ खींचते रहना है, थोड़ा इंप्रूवमेंट हमेशा देखने मिलेगा। दूसरी बाजू रिलैक्स करें। अगला पोर्शन एक राउंड से पवन मुक्तासन में जाके होल्डिंग करेंगे। ये याद रखना है, तो पवन मुक्तासन में एक वेरिएंट आज सीखेंगे। तो पवन मुक्तासन ऐसे होल्ड करके, ठीक है, हमें एक बाजू गिर जाना है कोई भी एक से। अभी बिना ये कोनी को नीचे मारे हुए या बिना ऐसे ऐसे पुश नहीं करना, ठीक है। अब हम जब नीचे आ गए तब दोनों हाथों को लॉक कर देना है और बिना नीचे पुश किए हुए कोर स्ट्रेंथ से हमें ऊपर आ। देखिए मैंने हार्ड स्ट्रेंथ यूज नहीं किया, इंटरनल स्ट्रेंथ। जब हम जाते हैं तो कुछ इस तरह हो जाता है, ये देखो ऐसे धक्का मार जाते हैं। तो ये धक्का बिल्कुल नहीं मारना है, हमारे इंटरनल नाभि चक्र से स्ट्रेंथ लेंगे। देखिए ये जरूर कोशिश, इसके 5 से 10 राउंड करेंगे, स्टमक में बहुत अच्छे से वर्क होता है। और उसके बाद पवन मुक्तासन को होल्ड करें। देखिए वापस यहाँ से ऊपर आराम से धीरे धीरे, और देखिए मेरे को भी कितनी स्ट्रेंथ लग रही है। तो ये हमारे इस रीजन पे बहुत वर्क कर रहा है, फैट लॉस बहुत अच्छे से होता है। यहाँ से आज पवन मुक्तासन जितना हो सके थाइस को पेट पे दबाए और पकड़ के रखें, फिर फोरहेड को रिलीज करें। डीप ब्रीदिंग, हम आपसे इसलिए कहते हैं कि वीडियो पॉज करके करें प्रैक्टिस, क्योंकि अगर हम ये पूरा करने जाते हैं 1.5-2 घंटे की वीडियो बन जाएगी, तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो पॉज करके आप जितना प्रैक्टिस करें और वापस आए वीडियो में, उतना आपका प्रैक्टिस और अच्छे से इम्प्रूव होगा। और रिलैक्स करें। और आज का आखिरी आसन करेंगे यस्तिक आसन। डे टू में जो हमने धनुरासन किए थे, शलभासन किया था, उसका भी डेफिनेटली प्रैक्टिस कीजिए, वो भी पेट के लिए बहुत अच्छा है। यस्तिक आसन एक ही राउंड करेंगे, हाथ साइड में रखना है, हाथों को ऊपर लेना है, टोस को पॉइंट इन करना है और सोचना है दोनों बाजू हमें कोई खींच रहा है, और से 10 काउंट्स तक होल्ड करेंगे। स्ट्रेच मेंटेन रखना है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हाथों को वापस लाए, पैरों को फ्लेक्सिंग करें, रिलैक्स धीरे से घूम के बैठ जाए।
तो ये थे हमारे आज के आसन। अभी हम जाएंगे फेस योगा पे, आई योगा पे और फिर प्राणायाम और शवासन। फेस योगा में आज का पहला पोस्चर है पाउटिंग। इसके पहले जो हमने पिछले क्लास में एक मुंह फुलाने का किया था और एक दूसरा किया था मुंह को वाइड ओपन करना है, वो जरूर तीन तीन मिनट प्रैक्टिस कीजिएगा खुद से और फिर इस पे आइएगा। हम एक एक एक्सरसाइज नई हर एक क्लास में बताते जाएंगे। तो इसमें सिर्फ हमें इतना करना है, यहाँ से जब हम सेल्फी लेते वक्त हम पाउट करते हैं कुछ वैसे करना है, पर थोड़ा सा चिप्स को और अंदर खींचना है कुछ इस तरह। और ये करने के बाद चिन को ऊपर ले तो हमारी जॉ लाइन की भी स्ट्रेचिंग होती है। डीप ब्रीदिंग करते रहे हैं। साइड में पूरा खिंचाव फील होना चाहिए। एक मिनट होते ही पूरी तरह से रिलैक्स पूरा ये साइड में फील आता है। अगला आई योगा का पोस्चर, इसमें हमें क्या करना है वापस, इसमें जो हमने आई की सर्कलिंग मूवमेंट्स की थी, साइड मूवमेंट्स की थी, तो वो जरूर पहले प्रैक्टिस करें। और उसके बाद अभी हमें क्या करना है, अंगूठे को ऐसे कुछ फेस के सामने रखना है, वन हैंड डिस्टेंस फ्रॉम द नोज, ठीक है। और हमें इस अंगूठे को देखना है और 3 सेकंड के लिए, और उसके बाद कोई दूर ऑब्जेक्ट जो एक फिक्स स्टेबल ऑब्जेक्ट है, कोई मूर्ति हो सकती है, कोई दीवार पे कुछ स्विच बोर्ड हो सकता है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले जो हमारी आई लेवल में है और उससे देखें। तो मतलब हमें क्या करना है, नजदीक देखना है दूर देखना है, नजदीक देखना है दूर देखना है, ऐसा 1 मिनट के लिए हमें करना है। और दोनों जगह हमें 3-3 सेकंड हमें होल्ड करना है, इससे हमारी विजन की जो रेंज है, ओके, किसी को नजदीक के चश्मे होते हैं, किसी को दूर के चश्मे होते हैं, या नजदीक और दूर के नंबर होते हैं, तो इससे हमारी विजनिंग की रेंज हमारी बढ़ती है और दोनों बाजू हमें इम्प्रूवमेंट होती है। अगर आप नजदीक के चश्मे तो भी आपके नंबर इम्प्रूव होंगे, अगर दूर के हैं तो भी आपका इम्प्रूवमेंट होगा। तो कुछ इस तरह रखें, नजदीक देखें दूर, नजदीक देखें, 1 मिनट तक कंटिन्यूसली करें। रिलैक्स करें, आंखों को बंद करें कुछ देर के लिए, तो आंखों को थोड़ा सा आराम मिलेगा, रेस्ट मिलेगा, ये हमारे कॉन्सेंट्रेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। धीरे धीरे अब आते हैं हम हमारे प्राणायाम पे। तो अभी हम दो दिन से क्या कर रहे हैं, पहले दिन हमने अनुलोम विलोम किया, कल हमने अनुलोम विलोम विद कुंभक किया। कुंभक मतलब होल्डिंग, ओके? तो अभी ये होल्डिंग में भी हम एक नया तरीका यूज करेंगे जिसमें हम हमारी लंग कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। तो अब पहले हमने क्या किया, एक्सहेल करते हैं लेफ्ट से, इनहेल करते हैं लेफ्ट से,
फिर बंद करते हैं, राइट से एक्सहेल करते हैं, राइट से इनहेल करते हैं, बंद करते हैं। ये फर्स्ट डे था। सेकंड डे क्या था, लेफ्ट से एक्सहेल करते हैं, लेफ्ट से इनहेल करते हैं, फिर होल्ड करते हैं पांच काउंट, फिर राइट से एक्सहेल करते हैं, फिर राइट से इनहेल करते हैं, वापस होल्ड करते हैं। इस तरह से हम करते हैं और इसमें पांच से हमें धीरे धीरे काउंट हमारे बढ़ाने, पांच काउंट, दस काउंट। अभी तीसरे इसमें क्या हम करेंगे कि हम एक्सहेल करेंगे, ऐसे शुरुआत करेंगे, फिर इनहेल करेंगे, फिर इनहेल करके जब हमें लगता है कि हमने फुल इनहेलेशन कर लिया है, उसके बाद हमें थोड़ा और नाक से थोड़ा और हवा अंदर खींचना है। तो समझो मैंने एक्सहेल किया, इनहेल किया, अब मेरे हिसाब से मैंने पूरा इनहेल कर लिया, लेकिन और खींचे, देखो इतना और हवा गया इसके अंदर, फिर इसे बंद करना है, फिर पांच काउंट होल्ड करना है, फिर राइट से एक्सहेल करना है, फिर राइट से इनहेल करना है, पूरा लगे, हमें लगे पूरा हो गया, फिर और खींचना है, फिर बंद करना है, फिर होल्ड करना है। इससे क्या होगा दोस्तों, हमारी जैसे हमें पता है लंग कैपेसिटी का एक बहुत ही 5% 7% 10% इतना ही हिस्सा हम यूज करते हैं, उससे ज्यादा हम यूज नहीं करते, जिस कारण बहुत बार ऐसे होता है कि हम दो माला की सीढ़ी चढ़े तो हमारी सांसें फूल जाती है। तो अब ये हम क्या कर रहे हैं, हम हमारी कैपेसिटी के हिसाब से ही कर रहे हैं जो हमें लगता है, पर हमारी कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा है इससे। तो जब हम फुल हो जाते हैं और उसके बाद हम और एयर खींचते हैं, तो समझो हमारा जो यहाँ पे बलून है वो थोड़ा सा और एक्सपांड होता है, तो इससे हमारी ब्रीदिंग कैपेसिटी और अच्छी होती है। तो आज हम इस टेक्निक से करेंगे। मैं आपको काउंट्स दूंगा, मैं करूंगा नहीं, फिर वो देना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, तो आप मेरी काउंटिंग के हिसाब से करें। तीन राउंड में कराऊंगा आपको, और फिर खुद से चाहिए तो वीडियो पॉज करके और 10 राउंड करें, ठीक है। ध्यान और ज्ञान मुद्रा में बैठ जाए, लेफ्ट हैंड फर्स्ट फिंगर, राइट हैंड थर्ड फिंगर, राइट हैंड को फेस पे ले, राइट नॉस्ट्रिल बंद करें, लेफ्ट साइड से एक्सहेल करें, लेफ्ट साइड से इनहेल करें। फुल होने के बाद और एक्स्ट्रा एयर अंदर खींचे, अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करें, अब 5 सेकेंड होल्ड करें, 5 4 3 2 1, राइट साइड से एक्सहेल करें, राइट साइड से इनहेल करें, मैक्सिमम इनहेलेशन होने के बाद और हवा खींचे अंदर राइट साइड से, राइट नॉस्ट्रिल बंद करें, होल्ड करें, 5 4 3 2 1, लेफ्ट साइड से एक्सहेल करें, लेफ्ट साइड से इनहेल करें, एक्स्ट्रा एयर खींचे अंदर, लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करें, होल्ड करें, 5 4 3 2 1, राइट साइड से एक्सहेल करें, राइट साइड से इनहेल करें, एक्स्ट्रा एयर खींचे अंदर, राइट नॉस्ट्रिल बंद करें, होल्ड करें, 5 4 3 2 1, लेफ्ट साइड से एक्सहेल करें, लेफ्ट साइड से इनहेल करें, और एक्स्ट्रा एयर अंदर खींचे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करें, कुंभक लगाए, 5 4 3 2 1, राइट साइड से एक्सहेल करें, राइट साइड से इनहेल करें, एक्स्ट्रा एयर खींचे, क्लोज करें नॉस्ट्रिल, 5 4 3 2 1, लेफ्ट साइड से एक्सहेल करें। अब वीडियो को पॉज करके आप इस तरीके से 10 राउंड और इसके रिपीट कर सकते हैं। यहां से अब करेंगे स्निफिंग। स्निफिंग मतलब फास्ट इनहेलेशन एक्सहेलेशन। तो हाथों को ज्ञान और ध्यान मुद्रा में रखना है और यहां से फास्ट ब्रीदिंग करना, इतना इनहेल इतना एक्सहेल, कुछ इस तरह।
ठीक है दोस्तों, ये हम अप्रोक्सीमेटली 1 से 1.5 मिनट नॉन स्टॉप करेंगे। रिलैक्स करें यहाँ से। अब एक बाजू घो के सो जाएंगे शवासन में। इसमें अगले कुछ मिनटों तक हमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करना है। हमारे पाप्स हथेलियाँ ऊपर की तरफ फेस होगी, थोड़ा डिस्टेंस पैरों के बीच में, बिल्कुल भी हिलना नहीं है। जिस बॉडी पार्ट्स पे मैं फोकस करने को कहूँ उन पे फोकस करना है और उन बॉडी पार्ट्स को हमें रिलैक्स करना है। आई रिलैक्स माय टोज, माय टोज are relaxed. I relax my ankles. My ankles are relaxed. I relax my calves, my calves are relaxed. I relax my knees, my knees are relaxed. I relax my thighs, my thighs are relaxed. I relax my hips, my hips are relaxed. I relax my waist, my waist is relaxed. I relax my back, my back is relaxed. I relax my stomach, my stomach is relaxed.
I relax. My chest. My chest is relaxed. I relax my fingers, my fingers are relaxed. I relax my hands. My hands are relaxed. I relax my shoulders. My shoulders are relaxed. I relax my neck. My neck is relaxed. I relax my eyes. My eyes are relaxed. I relax my face. My face is relaxed. I relax my head. My head is relaxed. And I relax my body. And my body is completely relaxed. And I relax my mind. And my mind is completely, absolutely relax. With the feelings of complete relaxation, turn to any one side and make a pillow of your hands. Haathon ka ek takiya bana le aur relax. स्लोली खुद को खुश करके ऊपर आके बैठ जाए. यहाँ से हम क्लास खत्म करेंगे 3 राउंड ओम के साथ. इनहेल करना है ओम.
शांति 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 ही। हाथों को रब करें अच्छे से। आइस को कप करें। धीरे धीरे आंखों को हथेलियों में खोलें। स्लोली हाथ नीचे करें। आज का क्लास करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ये आज था, ये था हमारा डे थ्री और चार दिन की प्रैक्टिस आनी बाकी है। आगे जाके हमने सोचा है कि हम इसको 30 दिन तक इसको लेके जाएंगे, धीरे धीरे एडवांस प्रैक्टिस इसे करते रहे और इसमें स्पेसिफिक उन पोस्चर पे ध्यान दें जिसमें हमारी परफेक्शन नहीं आई है, क्योंकि आगे वाले क्लास में उसका एक बेटर वर्जन या उससे थोड़ा इंटेंस आसना आते जाएंगे, तो उसे अच्छा होना बहुत जरूरी है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके व्यूज शेयर कीजिए, आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। अगर कहीं दर्द हो रहा है तो भी शेयर कीजिए, हम आपको उसके ज़रूर आंसर करेंगे। सब्सक्राइबर तो आप होंगे ही, अगर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें ज़रूरत है घर बैठे इतने अच्छे क्लासेस करने की, और बेल आइकन दबाइए तो आपको जो नया नया क्लास आते जाएगा तो आपको इमीडिएटली अपडेट मिल जाएगी। आज का वीडियो देखने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। रितेश शाह, योगा स्कूल आर एस योगा।